Subscribe under 24/7 and press the Firoz Shah Kotla Stadium will be renamed as Arun Jaitley Stadium. It is located in which city? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया जाएगा और यह किस शहर में स्थित है? जवाब बनता है यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। अरुण जेटली हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये राज्यसभा एमपी थे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं अभी रिसेंटली बनी हैं आनंदीबेन पटेल। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इसी राज्य में स्थित है। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप करने की घोषणा की है? जवाब बनता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल अभी जकार्ता है, करेंसी या रुपया चलती है, इसी का जकार्ता से अब ये बोर्नियो द्वीप बन जाएगी। अच्छा, इंडोनेशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर है जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है, इंडोनेशिया के साथ भारत की दो एक्साइज हैं, एक है समुद्र शक्ति और एक है गरुड़ शक्ति। मलेशिया के साथ भारत की एक एक्साइज, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी रिंगिट, और इसके साथ है हरिमऊ शक्ति। फिलीपींस की कैपिटल मलीना, करेंसी पीसो। वियतनाम कैपिटल हनोई और करेंसी यहाँ डोंग चलती है। अभी यूएसए और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर रहे थे उन दोनों के बीच में पहला समिट हुआ था, ये सिंगापुर में रहा था, और जो दूसरा समिट रहा था वियतनाम के हनोई में रहा था, वियतनाम के हनोई में। किस शहर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के एक संयंत्र का उद्घाटन किया है? यह किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो गवर्नर वो हैं बेबी रानी मौर्य। इस बात को और आप याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य इज अ गवर्नर ऑफ द उत्तराखंड। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी यही होल्ड कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं तो ही इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक दिल्ली है। अगला सवाल, किस विद विच बैंक फ्रीचार्ज हैज लॉन्च अ डिजिटल क्रेडिट कार्ड? किस बैंक के साथ फ्रीचार्ज ने एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर बनता है यह एक्सिस बैंक के साथ मिलकर किया गया है। किसने जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जनौषधि सुगम लॉन्च किया है? हु लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन जनौषधि सुगम फॉर लोकेटिंग आउटलेट एंड सर्चिंग जेनरिक मेडिसिन? अपना जवाब यहां पर बनेगा, इसे लॉन्च किया गया है जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर डी वी सदानंद गौड़ा, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसने द टॉय बैंक कक्षाओं का उद्घाटन किया है? तो भाई यहां पर अपना जवाब बनेगा जो प्रकाश जावड़ेकर साहब है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, प्लस एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी ये देख रहे हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र बनती है। इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस शहर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने 7वें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी 7th कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन वॉज इनॉग्रेटेड बाई अमित खरे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग? तो यह इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन में पार्टियों के सम्मेलन के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो जो अपना भाई कैपिटल है नई दिल्ली, वो इसे होस्ट करने जा रही है। आज के सेशन के ये रहे 8 मुख्य सवाल। मोर और सवालों के लिए आप जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर प्लस में। तब तक के गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।